आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का नंबर वन न्यूज पोर्टल। मैं हूं सरताज। चलिए खबर की ओर। धनबाद की सड़क ने फिर ली दो की जान। जी हां, मैं आपको बता दूं कि धनबाद के रांगा तारसरमी चौक पर अरमान बस के नीचे आकर दो युवक की मौत हो गई। मैं आपको बता दूं कि युवक स्थानीय रांगा ताड़ का रहने वाला था और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी थे, मौजूद थे। मौत के बाद पूरा हंगामा हो गया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा माहौल हो गया धनबाद में। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, उसके बाद गुस्साए लोगों ने भी पुलिस पे उल्टा पथराव कर दिया। उसको बस वाले लोग कुचल दिए, जो जो दोनों का स्पॉट डेथ हो चुका है। अब तक रिपोर्ट मिल चुका है कि दोनों का स्पॉट डेथ, प्लस एक जो है वो घर के इकलौते बंदे थे, जो बेचारे का संतोष जो थे वो इकलौते थे, हम यही बगल में रहने वाले। और यहाँ पर अभी तक आप चारों तरफ कैमरा घुमा लिए, पुलिस हादसा हुआ बताएंगे। हादसा इधर से बस क्रॉस कर रही थी, हाथ दे रहा था, बस उधर जाने का था, मगर बस आप देखिए डिवाइडर पर क्रॉस करके और चढ़ा के उसको बस रोंगते हुए चला गया। अब वो स्पॉट डेथ कर गई है। पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। तो देख लिए पुलिस प्रशासन का एक भी बंदा यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। युवक कहाँ के थे कुछ पता चल रहा है? युवक रांगा टाक एक्शन कॉलोनी, एक्शन कॉलोनी जा रहा है। हमें लोग का मान लेता है। क्या नाम है? संतोष नाम था। संतोष यादव और जीतू रवानी। मेरा नाम वसीम खान हुआ, कांगड़ा जिला महासचिव। संतोष, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, ये वही मोटरसाइकिल है जिसपे संतोष और रवानी जी सफर कर रहे थे। अचानक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मौत के बाद ऐसा माहौल हो गया धनबाद के रांगाताड़ में, पुलिस पब्लिक के बीच पथराव होने लगा। नेशनल टुडे लैब के माध्यम से आप देख पाएंगे, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। धनबाद के सिटी एसपी, धनबाद के डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी, एसडीएम धनबाद के पहुंचे। आप देख सकते हैं नज़ारा नेशनल टुडे लैब के माध्यम से। वहीं लोगों का कहना था पुलिस के प्रति काफ़ी गुस्सा दिखा, लोग उग्र हो गए। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह बस को जलाने का प्रयास कर रहे थे स्थानीय लोग। वहां पर हमारे कैमरे में कैद हो चुका है वो नज़ारा। नेशनल टुडे लैब के माध्यम से आप देख पाएंगे, बड़ा हादसा है धनबाद में। आए दिनों सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है। नेशनल टुडे लैब से सरताज की रिपोर्ट, देखिए सिटी एसपी ने क्या कहा। सड़क हादसे में एक लोग की जान चली गई, क्या कुछ मामला है सर? एक घटना की हम लोग को अभी सूचना मिली है, एक बस आ रही थी और जब उसने एक टर्न पे ब्रेक मारने की कोशिश की तो उसका ब्रेक फेल हो गया, कथित रूप से उसका ब्रेक फेल हो गया, जिसके कारण बाइक सवार दो लोगों से टकरा गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा भी हॉस्पिटल में। उसके बाद यहाँ पर लोगों ने आक्रोशित होकर बस में थोड़ी तोड़फोड़ की और उसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह भी थोड़ा सा बाधित हो गया एवं काफ़ी लोगों की भीड़ लग गई। तो यहाँ तुरंत पुलिस ने पहुँच के बॉडी को उठा के हॉस्पिटल में पहुँचवाया। सर, उन लोगों ने पुलिस से भी पथराव किया सर, पर क्या कुछ कार्रवाई हुई? नहीं नहीं, पुलिस पर जिसने भी वो किया होगा उन लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बाकी अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, फोर्स यहाँ पर पहुँच चुकी है और हम लोग ट्रैफिक को भी सुचारू कर दिए हैं, धीरे धीरे स्थिति समझ में जाएगी। किया जा चुका है, जो भी असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया उसमें हम लोग सब गिरफ्तारी करते हुए सरकार में निकल गए। सर, हवाई फायरिंग भी की गई थी? हवाई फायरिंग नहीं, टीयर गैस पे छोड़ा गया था। उपद्रवी क्या किस मांग को लेकर बैठे हुए थे? उनसे कुछ वार्ता हुई नहीं है, किसी तरह की उनकी मांग की गई है, सिर्फ यहाँ के कुछ वासिंदों के द्वारा पथराव किया जा रहा था, उनके द्वारा कोई डिमांड हमारे समझ को। कुछ सिपाही घायल होने के बताया गया है कि कुछ सिपाहियों को पत्थर लगा, उनका इलाज के लिए।